फ्रेंड्स, हमारे साथ सुप्रतीक चट्टोपाध्याय है। सुप्रतीक डिग बॉयस है। यदि आप डिग बॉय को जानते नहीं है, आपको याद होगा कि जब आप शुरू में ज्योग्राफी, कुछ हिस्ट्री, कुछ सोशल साइंस पढ़ रहे होते तो बताते थे कि डिग बॉय में एक बहुत पुरानी रिफाइनरी है। अभी भी वहां पे रिफाइन होता है ऑयल या नहीं होता है? खत्म हो गया है सुप्रतीक? सर होता है, वैक्स यहाँ का हाई क्वालिटी है, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का हाई क्वालिटी होता है, ठीक है। तो सुप्रतीक, आपको जैसा चेहरे से इनके लग रहा है, दबा के पढ़ने वाले कैरेक्टर हैं। इनकी एनटीएससी रैंक वन सर थी, कोई भरोसा नहीं है इनकी। आसाम में भी रैंक वन हो, 681 स्कोर है। फिजिक्स में 175, केमिस्ट्री में 165, बॉटनी में 171, जुअलॉजी में 170। और ये इतने से भी खुश नहीं है, ये कुछ चैलेंज भी करने वाले हैं, है ना? तो सुप्रतीक बताइए, तो आपने हमारे प्लेटफॉर्म से दबा दबा के डीपीपी जनरेट करके, तो डीपीपी जनरेटर का की जरूरत क्यों पड़ती थी? आपको अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई होते थे और उस उनसे स्पेसिफिक आप कुछ टेस्ट जनरेट करके देना चाहते, किस चीज के ऊपर आपने खूब सारे टेस्ट जनरेट किए? सर मेरा जो वीक एरियाज था मेनली क्लास 11 टॉपिक्स जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के थे, एंड इवन बायोलॉजी का, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, वो सब। मतलब 11th का अच्छे से नहीं हुआ था, फ्रेंकली स्पीकिंग सर, कोचिंग अच्छी नहीं थी सच में। तो हाँ उस टाइम पे मतलब मुझको करना पड़ा था वो सब, तो वो सब किया था। एंड मतलब कि इवन लास्ट वीक तक मैंने पूरा यूज किया था, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स थे मतलब नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस कि शायद क्वेश्चन आने से रॉन्ग हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने यूज किया डीपीपी जनरेटर। एंड क्योंकि मेरा जो कोचिंग्स था, या ऑनलाइन था या ऑफलाइन जो भी है, आपको कोई पर्सनलाइज्ड बना के नहीं देगा। मतलब वो लोग का एक फिक्स सेट ऑफ असाइनमेंट होता है, उसी को बैठ के सॉल्व करना है। तो नीट प्रेप ने वो मेरा एक बहुत बड़ा इशू को दूर कर दिया कि पर्सनलाइज्ड मिल गया वो डीपीपी जनरेटर। उसमें बहुत सारे फीचर भी यूज करते थे कि एक बार आपने टेस्ट दे दिया, फिर वो बताता है शो मी इन एनसीईआरटी, वीडियो सोल्यूशन वगैरह या ऑडियो एक्सप्लेनेशंस, वो यस सर, सारे। यस सर। वीडियो एक्सप्लेनेशंस बेस्ट था, स्पेशली मेरा फिजिक्स में। एंड जो केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सर थे, आई थिंक मुझे उनका नाम याद नहीं है टिफिन सर, लेकिन सर, वो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ यस यस, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है, बेस्ट मतलब उनका। तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट भी है, और फिजिक्स का भी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छा था सारे टीचर्स का, फिजिक्स यार, का। अब चक्कर क्या है कि फिजिक्स का बहुत आप डिग बॉय के पास में रहते हो तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रूड ऑयल, फिर वो डिस्टिलेशन कॉलम है, ऊपर से नीचे तक सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही निकल रहे हैं। तो ऑब्वियसली मतलब वहां पे कोई घूमने जाएगा, किसी दुकान वाले से पूछेगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा, बोलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, फेयर इनफ। तो आपके ऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन सही हो गए नीट के अंदर या गलत हुआ कोई? वही तो प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक पसंद तो था लेकिन मेरा दो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। चल मैंने ये पॉलीमर्स वाला गलत कर दिया जो एक क्वेश्चन था, और आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर में मतलब मैंने हड़बड़ी कर दिया सेक्शन बी में। मुझको आता था, मैंने करेक्ट निकाला था, बट मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक नहीं किया, हड़बड़ी हो गया उसमें। तो सिली मिस्टेक तो देखिए, एक तो उसमें था सिली ठीक मिस्टेक। है, तो अब एक चीज बताइए, इसके अंदर अपनी तैयारी के अंदर यदि आप एक चीज बदल सकते हैं, आपको वापस टाइम मिलता है, लेट्स से यू गो बैक 6 मंथ्स, आपको वापस मिलते हैं और आपसे कहते हैं वापस एग्जाम देना है, आप क्या डिफरेंट करेंगे जो आपने नहीं किया इस बार? आई थिंक सर, जो मेरा वाइली का एक मैंने बुक लिया था, एसर्शन रीजन का, उसको मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता श्योरली। मतलब मैंने उसको सिर्फ सीबीएसई टर्म वन के लिए लिया था, और वो भी मुझे वेदांता ने बताया था कि ये बुक अच्छा है, तो उसका टच में मैं रेगुलरली था, तो उसने बताया था, तो मैंने ये फॉलो कर रहा था। मैं सीबीएसई टर्म वन के लिए किया था, तो मुझे लगा कि नीट में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में शायद यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने मतलब लास्ट तक चक्कर यूज क्या नहीं है किया। सुप्रतीक, आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको, है ना, एक कहावत है जिसे बोलते हैं दिया तले अंधेरा। आपको दबा दबा के असर्शन रीजन क्वेश्चन हम लोगों ने दिए एम्स लेवल टेस्ट सीरीज में और आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आप डर गए पीछे कि ये बेमतलब में मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ वो तो है सर, डेट इज ट्रू। मैंने एक अटेम्प्ट किया था और उसमें मुझे आई थिंक 562 मिला, मैं डर गया पूरा, क्योंकि मेरा कभी 580 से कभी कम नहीं आया मार्क्स।
करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या तो किया है, मतलब जस्ट मैं टू पूरा अपडेट, डर गया लेकिन। हाँ तो जस्ट टू अपडेट यू, हम लोगों ने क्या किया कि इस बार उसका नाम ही हटा दिया, एम्स लेवल टेस्ट सीरीज। बच्चों को क्यों डराएं, हम वो वाले क्वेश्चंस नीट लेवल टेस्ट सीरीज के अंदर ही दे देंगे, जिससे बच्चों को दे शुड अटेम्प्ट, दे शुड नॉट स्किप इट। क्योंकि क्या है कि एक लेवल पे स्टूडेंट्स अज्यूम करने लगते हैं इस टाइप का पेपर आएगा, इस टाइप का नहीं आएगा, दैट इज अ वेरी बैड अजम्पशन। एग्जामिनर आप नहीं है, आपका काम पढ़ना है, एग्जाम सेट करना किसी और का काम है। ठीक है, गुड। यस सर, और वो भी लास्ट ईयर जो फिजिक्स में जो टफ क्वेश्चंस आए थे, जैसे मैंने उनका इंटरव्यू देखा था आपका चैनल पे, चिंतन भैया जो चिंतन जैन, हाँ, उन्होंने बताया था कि उनको भी लगा था इजी आएगा, बट आप लोग ने टफ प्रैक्टिस करवाया था इसलिए भैया ने सॉल्व कर पाए। तो वो मतलब उससे मतलब लर्निंग लेना है कि खुद से अज्यूम करना ठीक नहीं है। गुड। तो डीपीपी जनरेटर आपको बहुत अच्छा लगा, जो वीडियो सॉल्यूशन नीचे मिल रहा था क्वेश्चंस के, तो अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो गया अपना। ये बताइए, दिन में सारे टाइम पढ़ते रहते थे या कुछ और ब्रेक लेते थे, टाइम पास करने की कुछ एक्टिविटीज थी, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़े? आपके चश्मे के मोटाई से तो लग रहा है कि पढ़ने के अलावा आपने लाइफ में कुछ नहीं किया है। नहीं सर, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं था, मतलब मैं बहुत बड़ा फुटबॉल फैन हूँ, मतलब खेलता तो उतना अच्छा नहीं है आर्सेनल लेकिन देख। डीपी लगा हुआ है हाँ आपको का, वेरी हाँ गुड। सर, तो मतलब मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उस टीम का जितना भी मैच आता था मैंने पूरा देखा, क्योंकि आपने जैसे उस दिन इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में बताया कि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, करेक्ट, तो मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता, मुझे देखना ही था चाहे आप कुछ भी कर लो, तो वो मैं मिस कभी पर नहीं आप ये किया। कर लोगे कि आज मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ना है और उसके बाद मुझे 2 घंटे गेम देखना है, 90 मिनट, हाँ 2 घंटे में गेम खत्म हो जाता है। तो हाँ आपके दिमाग में यह है कि आई हैव टू प्लान माई डे इन सच अ वे कि मुझे एंड में उसे देखने का टाइम मिल जाए, दैट इज वॉट यू आर सेइंग, राइट? हाँ सर, मैं जिस दिन वो होता था मैं दूसरा एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी कम कर देता था, मतलब दूसरा जो भी मोबाइल चलाना या यूट्यूब देखना या कुछ वो सब कम कर देता था जिस दिन मैच होता था। तो कितने गेम देखेंगे एक साल में? या प्रीमियर लीग में तो भर भर के गेम्स होते हैं ना? नहीं सिर्फ अपना टीम का सर, 38 मैचेस एक साल, अभी सारे देख रहा हूँ, अभी तो फ्री हो गया हूँ, अभी अभी मतलब आराम से देख रहा हूँ। देख लो, 25 साल तक पढ़ाई करनी है, इसके बाद एक बार कॉलेज में घुस गए थे, तुम्हें लग रहा है कि 5 साल में छूट जाओगे, डॉक्टर सस्ते में नहीं छूटते हैं। तो फैंटास्टिक। सुप्रतीक एक चीज बताइए, तो कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं आपके, टॉप 3 कॉलेजेस, डिजायरेबल कॉलेजेस क्या है 681 पे? सर फर्स्ट एम्स जोधपुर, सेकंड एम्स ऋषिकेश एंड थर्ड एम्स भोपाल। और थर्ड एम्स भोपाल, एक्सेलेंट, ऑल 3 आर ग्रेट यस कॉलेजेस, बहुत बढ़िया। तो घर वालों ने मिठाई विठाई बांटना चालू कर दिया पूरे मोहल्ले में, मतलब हल्ला मचा हुआ है कि यहाँ पे एक शेर बैठा हुआ है? के अभी नहीं सर, रिजल्ट्स के बाद मतलब बाद ओके, कंफर्म हो जाना चाहिए और क्या कंफर्मेशन चाहिए, मतलब सर। आपने मेरी देखा बात होगा से जेई है। का जो रिजल्ट आया उसमें रेस्पॉन्स शीट चेंज हो गया बच्चों का, वो देख के मुझे थोड़ा सा डर लगा, बट नहीं होना चाहिए वैसा। चलिए ठीक है सुप्रतीक, फैंटास्टिक, बेस्ट ऑफ लक टू यू, होप यू गेट, आप एम्स जोधपुर टारगेट कर रहे हैं, एम्स ऋषिकेश आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि एम्स ऋषिकेश पिछले साल 681 से कम पे मिल गया था। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड स्टूडेंट्स, आपके सामने सुप्रतीक चट्टोपाध्याय फ्रॉम डिगबोई, द ओल्ड रिफाइनरी प्लेस, एंड ही थैंक यू, 681। थैंक यू सर।